नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 99th एनुअल कॉन्वोकेशन के बारे में, जो कि 25 फरवरी 2023 हुई थी। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को DU के द्वारा मेल किया गया था अपनी डिजिटल डिग्री को डाउनलोड करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिग्री कैसे डाउनलोड करनी है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो कैसे, आप उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी होती हैं कि वैलिड है या नहीं है, मैंडेटरी है या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, डिजिटल डिग्री आपकी वैलिड है। इसको चालू करने का कारण ये था कि जो आपकी प्रिंटिंग फॉर्म की आप जो डिग्री होती है उसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बहुत से स्टूडेंट जो फॉरेन स्टडीज के लिए जाते हैं या जो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, तो उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से DU को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप डिजिटल डिग्री को डाउनलोड चालू करें, जिससे बच्चे अपनी फॉरेन यूनिवर्सिटी या अपनी जॉब के लिए इसको यूज कर पाएं। तो ये वैलिड है बिल्कुल। अगर मैंडेटरी का सवाल है कि अगर आपको जरूरत है तो आप उसको डाउनलोड करके, 750 रुपये इसकी फीस है, आप उसको डाउनलोड करें और अपने यूज में ले सकते हैं। और अगर आपको जरूरत नहीं है तो 6 से 8 महीने बाद आपको फिजिकल डिग्री आपके कॉलेज या SOL से मिल जाएगी। अब इसमें इस कॉन्वोकेशन में जैसे SOL के स्टूडेंट्स हैं या NCVAP या रेगुलर, या आप अगर लॉ सेंटर के स्टूडेंट्स हैं लॉ के, तो आप अपनी डिजिटल डिग्री को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी फीस है आपकी 750 रुपीज। अब बात आती है अप्लाई की। अप्लाई रिलेटेड वीडियो मैंने एक बना रखी है, उसको आप देख के डिजिटल डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। सेम मैंने आप कैसे आपको डिग्री डाउनलोड करनी है उसके लिए रिलेटेड में मैंने वीडियो बना रखी है, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब जब 25 फरवरी को DU की तरफ से मेल गया था तो बहुत से बच्चों ने डाउनलोड करने की कोशिश करी, जिसमें इस तरीके से एरर आ रहा था। तो मैं आपको बताता हूं इसके लिए क्या करना है। पहले जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूं कि जैसे अगर आप NCVAP के स्टूडेंट्स हैं या रेगुलर के हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको DU नॉन SOL सिलेक्ट करना है। और अगर आप SOL के हैं तो आपको SOL सिलेक्ट करना है। अब SOL के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को उनको एनरोलमेंट नंबर नहीं पता होता, तो आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखें, उसमें लेफ्ट तरफ आपका 18 SOL करके होगा या 19 SOL करके होगा। अगर नहीं है तो आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करें, प्रोफाइल सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर दिख जाएगा। अब यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे डाल के फर्दर आगे प्रोसीड करना है। अब इस तरीके से एरर आ रही है डाउनलोड करते टाइम, इसके लिए आप अपनी मेल आईडी ओपन करें, digitaldegree@du.ac.in पे मेल करना है आपको। नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट को अटैच कर दें। और अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसको मेल कर दें। उसके बाद आपके पास एक मेल आएगा, योर डिजिटल डिग्री रेडी। आप तुरंत उसको डाउनलोड करने की कोशिश करें। फिर भी इश्यू आता है, फिर आप इस पे डिजिटल डिग्री में स्क्रीनशॉट लें और इसी पे रिप्लाई कर दें अगर डाउनलोड करते टाइम कोई एरर आती है। फिर भी कोई इश्यू है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।